अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को स्टार प्रॉपर्टी सेफ चैनल में स्वागतम। आज मैं लेके आया हूँ आसान तरीके में घर में बनाने वाला आलू गोभी चटपटी। सो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करके इन तक देखिए ताकि आप भी बना सके आलू गोभी चटपटी। गोभी को अच्छी तरह से वॉश कर लेना ताकि जो बैक्टीरिया होता है मर जाता है, और 20 मिनट तक अच्छी तरह से सोक करना। तो हम लोग आलू गोभी जो बॉईल करेंगे तो इस तरह से सबसे पहले एक लगन ले लियो, लगन में पानी ले लियो और 2 स्पून सॉल्ट डालता हूँ, 1 स्पून हल्दी पाउडर डालता हूँ। ये हमारा पानी है और 2 केजी हमारा आलू है और 2 केजी गोभी। इस तरह से बॉईल कर दिया, वो भी 5 मिनट लगा, बॉईल हो गया हमारा आलू। देख लीजिए हमारा आलू जो है बॉईल हो गया, और ये हमारा जो गोभी वॉश करके 20 मिनट सोख करके रखे थे और उसको भी सेम प्रोसेस में बॉईल कर रहा हूँ। हमारा जो गोभी भी 4 मिनट में हमारा गोभी हो गया बॉईल। तो अभी क्या है ना दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ हमारा गोभी। ये हमारा गोभी बॉईल हो गया 4 मिनट्स में। आपको इसको फ्राई कर रहे हैं आलू और गोभी सेम प्रोसेस में, उसको भी फ्राई करना है आलू गोभी को, ताकि जो हमारा आलू गोभी चटपटी जो बना सके। तो सबसे पहले मैं गोभी को गरम ऑयल में गोभी फ्राई कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो गोभी गरम ऑयल में गोभी इस तरह से डाल दिया। जो गोभी जो फ्राई होता है हमारा 5 मिनट हो गया, 5 मिनट में गोभी फ्राई हो गया इस तरह से हमारा 2 केजी। अभी क्या है ना दोस्तों, आलू को भी सेम प्रोसेस में फ्राई करना है। हमारा आलू भी जो है 7 मिनट में फ्राई हो गया। देख लीजिए आलू किस तरह से फ्राई हो रहा है, गरम ऑयल में आलू को जो है फ्राई करना है इस तरह से। तो देख लीजिए हमारा कितना गरम ऑयल है, आलू आपको दिखा रहा था निकालते हुए। तो देख लीजिए ये हमारा आलू भी फ्राई हो गया। तो इस तरह से आलू गोभी को अच्छी प्रॉपर तरीके से फ्राई कर देना, 100% तक आलू गोभी फ्राई कर देना। ये हमारा मसाला ट्री है, हम लोग जो मसाला बनाएंगे तो यूज करेंगे, तो ये हमारा मसाला ट्री है। देख लीजिए हमारा आलू गोभी 2-2 केजी, और ये हमारा इंग्रेडिएंट्स है जो हम लोग यूज करेंगे, ऑयल है, टमाटर है, ग्रीन चिली है, ओनियन है। देख लीजिए इसको बोलते हैं आलू और इसको बोलते हैं गोभी। हमारा जो बना इंग्रेडिएंट्स है ये है टमाटर वेजेस, ये है हमारा ग्रीन चिली स्लाइस, ये है हमारा ओनियन चॉप जिसको बोलते हैं फाइन चॉप। हमारा आलू गोभी फ्राई होकर रेडी है। सबसे पहले जो हमारा एक लगन ले लिया, उसमें ऑयल डाल देता हूँ। देख लीजिए इस तरह से मैं 300 ग्राम्स हमारा नॉर्मल ऑयल डाल देता हूँ। हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब उसके बाद में क्या है ना, 15 पीस हमारा होल रेड चिली यूज कर लिया हूँ, और 3 स्पून हमारा जो है होल जीरा इसको यूज करता हूँ। देख लीजिए हमारा जो होल जीरा और रेड चिली, होल रेड चिली, अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है ताकि जो तड़का हमारा ज़बरदस्त हो और खाने में भी मज़ा आता है। तो इस तरह से हमारा जो होल रेड चिली और होल जीरा अच्छी तरह से फ्राई कर देना है। अब उसके ऊपर में क्या है ना, ऐड करना है ओनियन चॉप जो 1 केजी रखा था उसको ऐड कर दे रहा हूँ, और इसको अच्छी तरह से सते करना है ताकि हमारा जो प्याज है अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। और उसके बाद में क्या है ना, प्याज से ही अच्छा टेस्ट आता है, अच्छी तरह से इसको सते कर देना है। अब उसके बाद में क्या है ना, आपको जो प्याज जो सते करेंगे उसको 4 मिनट लगता है। तो हमारा 1 केजी प्याज है, हमारा स्लो फ्लेम में खाना बना रहे हैं इसलिए 4 मिनट लगता है। तो अभी क्या है ना दोस्तों, स्पाइसी के लिए 100 ग्राम ग्रीन चिली यूज करता हूँ, वो भी स्लाइस। देख लीजिए और इसको भी अच्छी तरह से सते करना है ताकि जो हमारा ग्रीन चिली और प्याज अच्छी तरह से सते हो जाए। 500 ग्राम जो टमाटो क्यूब्स काट के रखा था तो उसको भी ऐड कर दे रहा हूँ। ऐड करने के बाद इसको भी मिक्स करता रहा हूँ। देख लीजिए अभी क्या है ना दोस्तों, हमारा जो मसाला डालना है, सबसे पहले हमारा जो 2 स्पून डाला हल्दी पाउडर, और उसका 2 स्पून जो है हमारा स्पाइसी के लिए चिली पाउडर, और 2 स्पून जो है हमारा जीरा पाउडर, और 2 स्पून जो है हमारा धनिया पाउडर इस तरह से डाल रहा हूँ, और 1 स्पून जो है चाट मसाला, आप चाहे तो अमचूर मसाला भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मसाला को अच्छी तरह से भुनना है ताकि जो हमारा मसाला अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से कुक हो जाए। तो उसके बाद में जो हम लोग आलू गोभी जो फ्राई करके रखे थे इसको ऐड कर दे रहा हूँ। हमारा 2-2 केजी जो आलू, 2 केजी आलू और 2 केजी जो गोभी फ्राई करके रखे थे उसको ऐड कर दे रहा हूँ।
ऐड करने के बाद ना इसको मिक्स कर दो ना, ताकि जो हमारा मसाला और आलू गोभी में पकड़ ले, और अच्छा से मिक्स करना है। तो इस तरह से मैं मिक्स कर दे रहा हूँ पूरा स्लो फ्लेम में, और स्लो फ्लेम लग करके स्लो फ्लेम में उसको मिक्स कर दे रहा हूँ। लास्ट में क्या है ना दोस्तों, देख लीजिए हमारा कितना मिक्स हो गया प्रॉपर तरीके से। लास्ट में 100 ग्राम तक हमारा कोरिएंडर लीफ, जिसको बोलते हैं धनिया चॉप, उसको ऐड कर दे रहा हूँ। हमारा रेडी हो गया। अभी क्या है दोस्तों, अब फुलका और चाहे तो पराठा, चाहे तो नान, चाहे तो लच्छा रोटी में खा सकते हैं। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।